सबसे पहले तो जाना चाहेंगे दिल सावासन फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कैसी होगी ये फिल्म और कैसा होगा आपका इस दिल सावासन की में किरदार। ओके ये एक इट्स अ रोमांटिक एक्शन बेस्ड फिल्म। इस फिल्म में हमने दिखाया है कि आज के दौर में जब इफ़ एनीबडी फाइंड्स ट्रू लव, जब आपको सच्चा प्यार हो जाता है किसी से आज के दौर में, एंड जस्ट लाइक बैक इन द डेज, पुराने ज़मानों में जब हम कहते थे कि हमें किसी से प्यार होता था और उस प्यार को पाने के लिए हम किस हद तक जा सकते थे, तो वो टाइप का हम आज के दौर में वो हमें दिखने को नहीं मिलता है, यू नो। सो इस फिल्म के थ्रू हमने यही दर्शाया है कि स्टिल दैट काइंड ऑफ लव एग्जिस्ट्स, जब किसी को किसी के लिए उस बेहद उस लेवल पे उनका प्यार उनका जुनून पहुंच जाता है, एंड क्या करके वो उस प्यार को हासिल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट द एंटायर प्लॉट इज बेस्ड ऑन। तो आपका कहने का मतलब है कि इस फिल्म में आपको किसी ना किसी से प्यार होता है, देन आप किसी भी हद तक जाते हैं। मैं नहीं, जिसको मुझसे प्यार है वो मेरे लिए उस हद तक जाते हैं, मैं नहीं जाती। देन आपके किरदार के बारे में जानना चाहिए कि जो आपसे प्यार करते हैं आप उनके लिए क्या करते हैं। वेल, मेरे किरदार का नाम है मेघा और ये एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है, झांसी में पढ़ी लिखी है और वहीं की है ये, अपने माता पिता के साथ रहती है, बहुत ही घरेलू लड़की है और एट द सेम टाइम उसके वैल्यूज़ है, वो अपने वैल्यूज़ को बहुत मानती है और वो जो ये लफंगे होते हैं, जो गुंडे होते हैं, चोरों चक्के होते हैं, उन लोगों के साथ उसको ज़रा भी शी डजंट लाइक टू मिंगल अराउंड विद दोस काइंड ऑफ पीपल, तो उनसे हमेशा डिस्टेंस बना के रखती है। उसका एक अपना उसकी अपनी दुनिया है जहाँ पे उसकी पढ़ाई है, उसके माँ बाप है, उसकी अपनी वैल्यूज़ है, तो वो उन वैल्यूज़ के साथ स्टिक करती है एंड देन उसकी ज़िंदगी जैसे चेंज होती है जब वो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में आती है अपने परिवार के साथ, वहाँ उसके साथ क्या होता है जहाँ पे उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है एंड देन फ्रॉम बीइंग अ वनरेबल गर्ल नेक्स्ट डोर हाउ शी चेंजेस एंड अडेप्ट्स द चेंजेस जो उसके सराउंडिंग्स में उसके साथ हो रहे हैं, प्यार के थ्रू, दोस्ती के थ्रू, हर एक फ्लेवर्स ऑफ इमोशंस के थ्रू, तो उस तरह से उसका बर्ताव भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली, यू नो। बहुत अच्छा रहा इनफैक्ट। कोइंसिडेंटली मुझे मौका मिला था पास्ट में भी उनके साथ काम करने का, बट समहाउ वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो पाई, बट लाइक दिस से यू नो, जब कोई चीज़ होनी है तब वो होनी है ही, तो हो ही जाती। इस फिल्म के द्वारा मुझे जिमी सर के साथ काम करने का मौका मिला, ही इज़ अ फैंटेस्टिक एक्टर, दिस इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड जब हम किसी एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करते हैं तो हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, एज एन एक्टर हम ग्रो करते हैं विद एवरी फिल्म इज़ एन एक्सपीरियंस। तो जिमी शेरगिल इज़ अ वेरी एप्ट एक्टर, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आज वहाँ जिस मुकाम पे अपने करियर पे पहुँच चुके हैं उसके पीछे एक रीज़न है। तो जब हम ऐसे इंसान के साथ काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्यों कोई वहाँ है जहाँ वो आज हैं। सो आई थिंक इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टू वर्क विद जिमी शेरगिल। मैम, इससे पहले आपने कौन सी मूवी में काम किया है? वेल मैंने मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी साउथ से। I started with Telugu films. Telugu kiya maine, Tamil, Kannada, I did German films, I did a Punjabi film. Meri pehli Hindi film thi, Ganesh Acharya ne mujhe launch kiya tha kareeb 3 saal pehle, in this film called Angel, jisme unhone Sanjay Dutt ke nephew ko aur mujhe launch kiya tha. And after that I was relaunched by Suraj Bharjatya and Rajashree Productions in the film called Samrat and Company, jo 2 saal pehle release hui thi with actor Rajiv Khandelwala, and this is my third film in Bollywood. So yeah. तो मैम, आपकी और भी कोई अपकमिंग मूवी है या कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो? येस, देर इज़, आई जस्ट फिनिश्ड एन इंग्लिश फिल्म, इट्स अ शॉर्ट फिल्म जो कैंस के लिए है, जो आई थिंक 2-2.5 महीने में विल रिलीज, इट्स कॉल्ड अंततः। एंड आई हैव अ साउथ फिल्म जो तेलुगु में है, इट्स कॉल्ड चित्रम चपिना कथा, इट्स विद हीरो उदय किरण, जो द वन हुज कमिटेड सुसाइड अराउंड अ ईयर एंड अ हाफ बैक, तो उनकी लास्ट फिल्म थी, दैट्स विद मी, तो दैट्स गोइंग टू रिलीज अगेन इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अगेन आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ साउथ फिल्म्स एंड आई हैव 3 बॉलीवुड फिल्म्स विच आर ऑन फ्लोर, एज सून एज दे लेट मी गेट दिस न्यूज़ आउट इन पब्लिक मैं आपको बता दूंगी। ओके, जैसे कि हमने देखा है आपने हिंदी, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, गुजराती नहीं अभी तक, जर्मन, जर्मन, तो कितने लैंग्वेज आती है आपको ओवरऑल? अगर इनमें से मुझे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा बहुत तेलुगु बात करने लगी हूँ मैं आजकल, और तमिल, कन्नडा, आई एम नॉट सो वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेजेस। एक्चुअली जब आप इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट्स लेने की इतनी आदत हो जाती है, यू नो, सो
पूरी तरह से लैंग्वेज स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड बिकॉज आई एम अ बॉम्बे गर्ल, बॉम्बे इज माई बेस, सो दैट्स वाई आई हैव नेवर लर्न एनी लैंग्वेज एज सच. अगर आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो सीख लूंगी, फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही है. Are you putting me on the spot? थोड़ा सा दिल साला सबकी को अगर तेलुगु में अगर बोला तो कैसे बोलूं पटो मैम से हां वो सोच रही हूं भाई नीनू नीनू प्रेमिस्तुना दैट मींस आई लव Tell I love you, and in my case, Ninu Ninu Premistuna Dil Sada Sanki. So I love this film. अच्छा आपने बताया कि आपने जर्मन फिल्म भी किया है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो जितने भी बॉलीवुड के मेल एक्टर हैं वो हॉलीवुड में जा रहे हैं. तो आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो हम देखेंगे, आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट प्लान है कि हम आपको, और वो अच्छा कर रहे हैं जितने भी लोग सब यहाँ से जा रहे हैं? डेफिनेटली अभी तो फिलहाल इट्स टू इनिशियल टू से एनीथिंग अबाउट दैट. एक हिंदी फिल्म है विच आई एम वर्किंग ऑन एट द मोमेंट, जिनकी जो जिनका प्रोडक्शन हाउस इज़ अ हॉलीवुड बेस्ड प्रोडक्शन हाउस. सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड माय विंग्स, इट्स टू इनिशियल फॉर मी कि इसके बारे में आपको अभी तक मैं कोई जानकारी दे तो नहीं सकती, बट येस मेरी कोशिश जारी है. एंड अगर सारी चीज़ें मेरे फेवर में रही सो वाई नॉट, जैसे बाकी सब कर रहे हैं वैसे एक दिन मैं भी करूँगी. मैम समर सीजन है, कितना डिफिकल्ट होता है परफॉर्म करना, आई मीन ट्रैवलिंग करना, एक्शन करना, आई मीन कितना डिफिकल्ट होता है? गॉड इट्स टू डिफिकल्ट. जैसे कि आपको भी पता है यहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं अभी, इट्स सो हॉट राइट, अंदर एसी में बैठने के बावजूद वी आर स्वेटिंग. तो येस इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब आउटडोर शूट करना होता है एंड देन जब शूट खत्म होती है एंड देन व्हेन यू कम बैक होम और अपना शीशे में आप फेस देखते हो तो यू लुक कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट यू वेंट बिफोर द शूट. तो हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन. अब व्हेन यू आर एन एक्टर तो आपको ये सारी चीज़ों से तो यू हैव टू बी यूज टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. तो गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, धूप है, बारिश होती है, हर टाइप ऑफ सीजन्स होते हैं, बट यू हैव टू टैकल विद इट. You have to, it's okay. करना पड़ता है. मैम दिल साला सनकी में कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग है जो आप बनाना चाहोगे? कोई रोमांटिक? हाँ जैसे कि मैंने कहा इट्स अ रोमांटिक एक्शन फ्लिक, सो डेफिनेटली देर आर रोमांटिक मोमेंट्स इन द फिल्म. और बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं इस फिल्म में जो कैप्चर किए गए हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरली पिक्चराइज, यू नो बहुत एक नेचुरल फ्लो में पिक्चराइज किया हुआ है इसको. कोई भी गानों को हमने उस तरह से कोरियोग्राफ नहीं किया जहाँ पे कोरियोग्राफर हमें सेट स्टेप्स दे रहा है और हम उस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने हमें ही लेट अस फ्री, ही जस्ट टोल्ड अस कि ये मूड है और आप उस मूड को फॉलो कीजिए, एंड जैसे आपका व्हाटएवर कम्स आउट नेचुरली यू डू दैट. सो डोंट गिव मी एनी सेट स्टेप्स और नथिंग इज कोरियोग्राफ, इट्स ऑल इन योर हेड. आप जैसा फील कर रहे हैं आपके को एक्टर के लिए एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एंड जैसा आपके मन से लिरिक्स के थ्रू हाउ एवर यू फील, सो यू डू द सीन लाइक दैट, यू डू द सॉन्ग्स लाइक दैट. तो हमने वो सारे मोमेंट्स बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किए हैं, रोमांटिक मोमेंट्स इन द फिल्म. लाइक आई सेड इट्स अ रोमांटिक फ्लिक, रोमांटिक एक्शन, हार्डकोर एक्शन फ्लिक. सो या वेरी प्रिटी रोमांटिक मोमेंट्स इन द फिल्म. गानों की बात हो रही है तो हम देख रहे हैं कि आजकल जो है कई सारे एक्टर हैं जो सिंगिंग में भी अच्छा करें, तो हम आपको मतलब गाने का शौक रखती हैं आप कुछ? शौक तो है बट आई एम नॉट अ सिंगर, यू कैन हियर माई वॉइस, आई एम नॉट गोइंग टू सिंग. दिस होल इंटरव्यू इज गोना बी अ बैड डिजास्टर इफ आई स्टार्ट सिंगिंग, सो नो. आई थिंक आई एम दोज काइंड ऑफ पीपल हु लाइक टू स्टिक विद वॉट यू थिंक यू गुड एट, सो आई थिंक आई एम गुड एट एक्टिंग, सो आई एम जस्ट गोना लीव इट टिल देयर. आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई एनी अदर सेगमेंट जहाँ आई नो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, सो आई एम नॉट सिंगिंग. ये फिल्म की शूटिंग हमने की थी झांसी में, ओरछा में. मुझे डाटा नहीं किसी ने. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई अंडरस्टैंड माय वर्क क्वाइट वेल. द बेस्ट सीन ऑफ द फिल्म द बेस्ट सीन ऑफ द फिल्म इज एक पोर्शन है जहाँ पे जो मेरे को एक्टर हैं और मैं, हम दोनों के बीच में एक्चुअली वी गेट दिस स्पेस जहाँ पे हमें उतना टाइम मिल रहा है एक दूसरे को जानने के लिए. हम बेसिकली वी आर एस्केपिंग, हम भाग रहे हैं सिचुएशन से, और चेज है, एग्जैक्टली इट्स अ चेज. एंड वो चेज में हमें कुछ मोमेंट्स मिलते हैं जहाँ हम एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ हम एक्चुअली डिस्कवर करते हैं कि
obviously being the guy he is in love with me, but that is one very minute frame jahan pe mujhe wo mauka mil raha hai to know him as a person. He helps you for the chase and aapko wahan se wo utha ke le jata hai, matlab nahi ye aap film dekh lijiye aapko pata chal jayega kaun kisko bhaga ke le jata hai. Aajkal zamana bahut badal gaya hai, ladkiyan bhi ladkon ko bhaga ke le jati hai, you know, so it's not a big deal. So wo jo moment hai jahan pe hum bhag rahe hain, jisne bhi jisko bhagaya hai उसके साथ जो जो हो रहा है, जो कनेक्शन है हमारी, जो केमिस्ट्री है, वो सीन करते हुए बहुत मज़ा आया था. बिकॉज वो सीन एक ऐसा सीन है जो एक्चुअली कोई भी आज के दौर की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से जब बात करेंगे तो वो उसी तरह से बात करेंगे, यू नो, वो बहुत नेचुरल फ्लो में है वो पूरा सीन. एनी डिफिकल्ट मोमेंट इन द फिल्म व्हिच यू फाउंड येस ऑफ कोर्स देर वर मेनी डिफिकल्ट मोमेंट्स इन द फिल्म बिकॉज इट्स एन एक्शन फ्लिक. बट आई रिमेंबर हम सेट बनाया था हमने, बेबी वो शूटिंग द ट्रेन सीक्वेंस, जब आप फिल्म देखेंगे इट्स टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, तो वहाँ पे ऐसा है कि आई एम सपोज टू जंप आउट, द ट्रेन इज मूविंग एंड आई एम सपोज टू जंप आउट ऑफ द ट्रेन, एंड बिकॉज इट वॉज माई टाइट क्लोज सो ड्यूप भी यूज़ नहीं कर सकते थे, राइट. सो वो मैंने किया एंड नीचे ऑब्वियसली गद्दे वगैरह बिछाए हुए थे मेरे लिए, बट बिकॉज इट वॉज मूविंग द ट्रेन तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. आई डोंट नो वेदर आई वुड डू इट, बट आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड एंड एम वेरी एडवेंचरस गर्ल बाई नेचर, तो मैं करना चाहती थी. आपने सुना नहीं शायद, मैंने कहा कि ड्यूप्लीकेट्स यूज़ नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उसमें मेरे क्लोजेस थे, सो उसमें ड्यूप्लीकेट्स की कोई गुंजाइश ही नहीं थी. ड्यूप्लीकेट्स होते तो फिर मैं मैंशन ही नहीं करती कि ये डिफिकल्ट सीन है, तो बट हमने कर लिया, वो भी मैनेज इट प्रीटी वेल बिकॉज आई वॉन्टेड टू फेस दैट लाइक दैट एडवेंचर इन माई करियर, इसीलिए मैंने वो किया. एंड जब मैं कूदी ट्रेन के बाहर और मैंने लैंड किया उन गद्दों पे, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई सेड कि वाओ आई डिड इट. चित्रम क्या फिल्म का नाम? चित्रम चेपीना का था. चेपी चेपीना का था. तेलुगु तेलुगु कंप्लीट है. हां जी ओके. मैं जाते-जाते आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी फिल्म आई दिल साला से दिल साला से व्यूअर्स के लिए फाइनल वर्ड्स क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपकी रिलीज होने वेल इट्स टेंटेटिव अभी तक डेट रिलीज हमारा सेट नहीं हो पाया है, बट आई वुड लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स कि दिल साला सनकी इज़ अ वेरी इट्स अ ट्रेंडी फिल्म, इट्स अ फिल्म विच यू वुड लाइक टू वॉच, इट्स अ फिल्म विच यू वुड रिलेट टू. ये ऐसी फिल्म है जो कि नॉट जस्ट यंगस्टर्स बल्कि पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स वुड एन्जॉय दिस फिल्म एंड पीपल वुड बी एबल टू रिलेट टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस फिल्म. आज की कहानी है बिल्कुल, अगर आप किसी से बहुत पे इंतहा मोहब्बत करते हैं तो आपको ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए बिकॉज ये फिल्म देखने के बाद आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा एंड यू वुड जस्ट जिससे भी आप प्यार करते हैं एट एनी कॉस्ट आप उसको अपनी लाइफ में ज़रूर रखेंगे. इस फिल्म को देखने के बाद आपको वो इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगा. दैट्स ऑल आई कैन ऐड. थैंक यू.